दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय हेलिक्स। तो आज की वीडियो में हम RCT परफॉर्म करके देखेंगे एंडो मोटर से। इसके पहले हमने हेलिक्स एंडो मोटर की अनबॉक्सिंग, उसकी ऑपरेटिंग और गोल्ड प्रोटेपर्स के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। ये तीनों वीडियो आप लिंक में जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, तो ये वीडियो समझने में आपको आसानी होगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी विद डॉक्टर कल्पेश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। शुरू करते हैं वीडियो इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकली परफॉर्म करने से पहले इसके हम बेसिक्स देख लेते हैं ताकि समझने में आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले हम RCT ओपनिंग करेंगे, एक्सेस ओपनिंग जो होती है हमारी वो करेंगे। उसके बाद हम केनाल सर्च करेंगे, जो 10 नंबर स्टैंडर्ड के फाइल होती है उससे हम केनाल सर्च करेंगे। इसके बाद आप चाहें तो जीजी ड्रिल से जो केनाल ओपनिंग है उनको ब्रॉड भी कर सकते हैं, या 15 नंबर फाइल भी यूज़ करके आप थोड़ा सा ब्रॉड कर सकते हैं केनाल्स को। इसके बाद हम रोटरी फाइल सिस्टम यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे SX फाइल को, और रोटरी फाइल यूज़ करने से पहले हमको अच्छे से इरीगेट कर लेना है और लुब्रिकेंट उसमें फिल कर लेना है हमारी केनाल्स में। तो SX से जो है डेब्रीज आपकी रिमूव हो जाती है और जो केनाल है वो थोड़ा ब्रॉड हो जाती है, तो जब हम आगे की फाइल्स यूज़ करेंगे तो उसमें हमें आसानी होती है। तो सबसे पहले हम SX यूज़ करेंगे। SX फाइल यूज़ करने के बाद फिर आपको इरिगेशन करना है। इरिगेशन आपको हर प्रोसीजर के बाद करते ही जाना है और रिकैप्चुलेशन भी आपको करते जाना है छोटी फाइल से। रिकैप्चुलेशन अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वीडियो से समझ सकते हैं, स्टेप बैक टेक्निक के वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो SX फाइल यूज़ करने के बाद अब हम वर्किंग लेंथ लेंगे। वर्किंग लेंथ आपको लेनी है 10 नंबर फाइल को यूज़ करके आप वर्किंग लेंथ ले लीजिए। जो भी आपकी फिर वर्किंग लेंथ आई है उसको हम जो हमारी शेपिंग फाइल है जो S1 फाइल है उसमें मेज़र करेंगे। जितना भी आपका आया है 18 mm 19 mm जो भी वो हम S1 फाइल में मेज़र करेंगे और कैनाल की शेपिंग करना शुरू करेंगे। जो S1 फाइल सिस्टम है वो मिडिल और कोरोनल पोर्शन को शेप करता है, उसकी शेपिंग करता है कैनाल की। उसके बाद हम S2 फाइल सिस्टम को यूज़ करेंगे। तो जो S2 फाइल है वो एपाइकल थर्ड पोर्शन को भी प्रिपेयर करेगी, जो हमारी कैनाल है उसको पूरा लास्ट तक प्रिपेयर करेगी। इसके बाद हम यूज़ करेंगे फिनिशिंग फाइल F1, F2, F3। जो फिनिशिंग फाइल है इनका यूज़ करके हम कैनाल को फिनिश करेंगे। और नॉर्मली आपको हर फाइल सिस्टम के साथ स्पीड क्या रखनी है, टॉर्क क्या रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो SX है उसमें 375 RPM आप रख सकते हैं और टॉर्क होगा 35 mN। इसके बाद जो शेपिंग फाइल है S1 और S2 इसमें भी 375 RPM आप रख सकते हैं, और जो S1 के लिए टॉर्क होगा वो 25 mN और S2 के लिए जो होगा वो 15 mN। इसके बाद F1 के लिए 20 mN और F2 और F3 के लिए 30 mN। जो स्पीड है वो सभी के लिए 375 RPM तक आप रख सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड हमने आपको बता दिया, इसके बाद आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको क्लिनिकली देखते हैं। तो यहाँ सारा कुछ मैंने अरेंज कर लिया है, एंडो मोटर को भी मैंने अरेंज कर लिया है। यहाँ पर आप फाइल सिस्टम रखे हुए देख रहे हैं, इन सब के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन वीडियो को अगर आप पहले देख लेते हैं तो ये वीडियो समझने में आपको आसानी होगी। यहाँ पे फाइल सिस्टम रखे हुए हैं। इरिगेशन के लिए हम सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ कर रहे हैं जो सिरिंज में रखा हुआ है। रिकैप्चुलेशन और कैनाल सर्च करने के लिए कुछ फाइल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें 10 नंबर की फाइल हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमने रखा हुआ है। ये हमारा मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर है, इसकी एक्सेस ओपनिंग मैंने करके रखी हुई है। ये देख सकते हैं आप, दो मीजियो बक्कल एंड डिस्टो बक्कल रूट्स है और यहाँ पर एक पैलेटल रूट है, तो तीन कैनाल इसमें होती हैं। तो 10 नंबर की फाइल से 10 नंबर की के फाइल जो है इससे हमको सबसे पहले कैनाल सर्च करनी है एक्सेस ओपनिंग के बाद। तो यहाँ मैंने सर्च करके रखी हुई है, ये एक कैनाल यहाँ पर है, इसमें आपको अच्छे से फाइलिंग कर देनी है। यहाँ पर सेकंड कैनाल और एक कैनाल
यहाँ पर, ये पैलेटल रूट है। इसके बाद जैसे हमने बताया हुआ है कि हर बार आपको इरिगेशन करते जाना है और रिकैप्चुलेशन भी हम आगे करते जाएंगे। 10 नंबर की फाइल यूज़ करने के बाद आप जीजे ड्रिल से केनाल को बड़ा कर सकते हैं, या 15 नंबर की फाइल भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा जब हम रोटरी सिस्टम यूज़ करेंगे तो आपको यूज़ करने में आसानी हो। 25 टॉर्क और 375 आरपीएम पे हम इसको रखे हुए हैं। तो केनाल सर्च करने के बाद, इसको ब्रॉड करने के बाद, हम इसमें सब एसएक्स फाइल सिस्टम यूज़ करेंगे जो अभी हमने लगाया। ये देखें, ब्रशिंग मोशन में आपको यूज़ करना है। फिर दूसरी केनाल में डेब्रिस कैसे निकलते हुए इसमें दिखाई देती है, जो इसके फ्लूइड्स में डेब्रिस फंसती जाती है और निकलते जाती है। इसके बाद आपको इरिगेट करते जाना है। तो एसएक्स फाइल को यूज़ करने के बाद ये देखिए कैनाल्स से ब्रॉड हो जाती हैं और जो इसका ओपनिंग है वो राउंड शेप का हो जाता है। एसएक्स को यूज़ करने के बाद हम फिर रिकैप्चुलेशन करते जाएंगे। एसएक्स फाइल यूज़ करने के बाद हम वर्किंग लेंथ ले लेंगे। तो वर्किंग लेंथ लेने के बाद हम जो भी हमारी वर्किंग लेंथ होगी उतना S1 फाइल में मेज़र करके अब हम S1 फाइल को यूज़ करेंगे, इसके बाद S2 फाइल और फिर इसको फिनिश करेंगे। तो फिर से वही करेंगे, S1 के लिए पहले हम लुब्रिकेंट फिल कर देंगे कैनाल्स में, इसके बाद यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। इस मोशन में, ब्रशिंग मोशन में आप यूज़ करेंगे इसको। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारा S1 है ये कोरोनर और मिडिल पार्ट को प्रिपेयर करता है, S2 हमारे एपाइकल पार्ट को भी प्रिपेयर करता है कैनाल के, और इसके बाद हम फिनिशिंग करते हैं F1, F2 और F3 फाइल्स को यूज़ करके। इसको फिर से हम इरिगेट कर लेंगे, कैनाल्स को क्लीन कर लेंगे। तो S1 को यूज़ करने के बाद हमारी कैनाल्स ओपनिंग देखिए कितनी क्लियर दिखने लग जाती हैं। एक कैनाल हमारी ये है, दूसरी ये, और थर्ड कैनाल जो है पैलेटल कैनाल यहाँ पर। जो भी हमारी वर्किंग लेंथ है वो हम फाइल में ट्रांसफ़र करके S2 को यूज़ करेंगे, इसके बाद हम F1, F2 और F3 का यूज़ करके कैनाल्स को फिनिश करेंगे, ताकि हमारा जो ऑब्चुरेशन है वो करने में हमें आसानी हो। 6% कट्टा पर्चा इसके ऑब्चुरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं।